हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पावर टू सेल्स द जनरेटर वर्ल्ड चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे अनबॉक्सिंग ऑफ MS-382 मशीन। इस वीडियो की मुझे बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी। काफी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भी करते थे, रेगुलर पूछते रहते थे कि क्या होता है MS-382 मशीन में, क्या क्या साथ में आता है। तो आज हम आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे डिटेल में कि MS-382 मशीन जो कि स्टील कंपनी की है, आपको सामने नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा भी है यहाँ पे स्टील। तो इस कंपनी की मशीन है, हम आपको दिखाएंगे कि इस बॉक्स जब हम खरीदते हैं तो उसके साथ क्या क्या आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों एक बारी मैंने इसको चेक कर लिया है, ये अब आपको वीडियो दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये हम इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार का इसका जो है बॉक्स होता है, ठीक है, इस प्रकार का इसका बॉक्स होता है। और थर्मोकोल वगैरह का कंपनी यूज नहीं करती है कोई ऐसा कुछ, सिर्फ कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है। ये इसके साथ वन पीस चेन आती है, ठीक है, ये इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में और बता दूंगा कि चेन कितने प्रकार की होती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये तो चेन आ गई इसके साथ, ये इसके साथ आ गया दोस्तों टूटी ऑयल, इसे कहते हैं टू स्ट्रोक इंजन ऑयल। ये अभी आपको थोड़े से आगे जब चलेगी वीडियो तो मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्या है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, इसे कहते हैं शार्पनिंग किट। इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये चेन में धार लगाने के काम में आती है, ठीक है। तो ये भी स्टील कंपनी की है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ में आती है, तो अगर आपको कोई नहीं देता तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं। और हमसे कभी भी कोई भी मशीन खरीदता है तो इस वीडियो में जितनी चीजें दिखाई जा रही हैं वो उसको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है, उसमें कोई मतलब शक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसको शार्पनिंग किट कहते हैं। मैं अभी दोस्तों सब कुछ सब चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब जो है ये हो गई आपकी टूल किट, ठीक है, टूल किट भी अभी हम खोल के दिखाएंगे। ये हो गई एक इसकी ओनर्स मैनुअल, ठीक है, और एक हो गया दोस्तों इसका गाइड बार। गाइड बार दोस्तों दो तरीके के आते हैं, एक गाइड बार को कहते हैं रोलोमैटिक गाइड बार एंड सेकंड गाइड बार होता है ड्यूरोमैटिक गाइड बार। जो अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए जो गाइड बार है ये रोलोमैटिक गाइड बार है। कैसे पता चल रहा है हमें, एक तो इसमें लिखा भी हुआ है रोलोमैटिक, ठीक है, और दूसरा इसके आगे आप देख रहे हैं कि गाइड बार के आगे एक मतलब आपके तरीके से एक स्प्रॉकेट बना हुआ है, ठीक है। तो जो स्प्रॉकेट वाला गाइड बार होता है वो होता है रोलोमैटिक गाइड बार। एक इसके साथ ड्यूरोमैटिक भी आता है, ज्यादातर इस मशीन के साथ ड्यूरोमैटिक गाइड बार ही आता है। तो अभी हम एग्जांपल के तौर से दिखा रहे हैं रोलोमैटिक गाइड बार, ठीक है। ड्यूरोमैटिक गाइड बार में आगे नोजल नहीं होती, वो भी बहुत अच्छा गाइड बार होता है, ये भी अपना अच्छा बहुत अच्छा गाइड बार होता है, दोनों अच्छे होते हैं, इक्वली अच्छे होते हैं, ठीक है। अब जो मशीन का सबसे मेन चीज है, इसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं, इस मशीन को बनाया है, इस वीडियो को बनाया है हमने, तो वो है ये काफी हैवी मशीन होती है, हैवी एज इन सेंस की हैवी ड्यूटी मशीन होती है। और हाँ, वेट तो अफकोर्स होगा क्योंकि 72 cc की मशीन है, 72 cc रियल। रियल से मैं अभी क्या बोल रहा हूं, मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो आप पूरी देखें दोस्तों। मैं आपको इस करके बोलता हूं कि वीडियो आप एंड तक देखा करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो कि आपसे मिस हो जाती है, ठीक है। तो ये है स्टील की MS-382 मशीन, ये तो इसका साइड एंगल है और ये इसका फ्रंट है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताया था, बहुत डिटेल में अभी हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी। तो कुछ चीजें मैं आपको बताया था, ये इसका थोड़ा सा हम पास में अगर आएंगे, थोड़ा सा जो ये है ये इसका पेट्रोल टैंक है दोस्तों, ठीक है। पेट्रोल टैंक में क्या होता है, जो भी मैंने आपको बताया था इसके साथ स्टील कंपनी का टूटी ऑयल आता है, इसमें पेट्रोल और टूटी ऑयल मिक्स करके एक सेपरेट चेंबर में पहले हम पेट्रोल और टूटी ऑयल मिक्स करेंगे। वो हम कितना मिक्स करेंगे मैं आपको बता देता हूं, वो भी 1 लीटर पेट्रोल हम लेंगे, उसमें कंपनी रिकमेंड करती है 20 ml, आप चाहें तो 20 ml डाल सकते हैं, और जो लोग थोड़ा सा बढ़ा के डालना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं मेरा थोड़ा लंबे ड्यूरेशन का काम है और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं थोड़ा सा ज्यादा डालना चाहता हूं, ठीक है, आप अगर 1 लीटर में 25 ml तक भी डालेंगे तो चलेगा, इट विल वर्क गुड, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सावधानी क्या रखनी है अभी मैं आपको आगे बताता हूं उसमें, ठीक है। तो 1 लीटर 25 ml, 1 लीटर पेट्रोल में 25 ml टूटी ऑयल मिक्स करके आपने इसमें डालना है, ठीक है। ये तो हो गया पेट्रोल का टूटी ऑयल, पेट्रोल और टूटी ऑयल का चेंबर। ये होता है दोस्तों बार ऑयल का चेंबर, ठीक है, इसमें पड़ता है आपका बार ऑयल। बार ऑयल क्या होता है, जो आपका चेन
और गाइड बार के बीच में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। तो ये तो दो इसके मेन टैंक्स हो गए, ये इसका हो गया स्टील का इलास्टो स्टार्ट रिकॉयल सिस्टम, व्हाट इट इज कॉल्ड, इलास्टो स्टार्ट रिकॉयल सिस्टम। इसमें क्या है खासियत, एक तो ये मैग्नीशियम का बना हुआ है, ठीक है, दूसरी बात इसमें इलास्टो स्टार्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो इसका हैंडल है इसमें इस तरीके से ये इलास्टिसिटी है जिससे आपके हैंड पर जर्क नहीं लगता, ठीक है दोस्तों। अब और एक काफी मेन चीज है इसमें, क्योंकि ये की काफी हेवी मशीन है, यानी कि हेवी इंजन की मशीन है, इसमें कंप्रेशन ज्यादा बनता है, इस करके इसमें डीकंप्रेशन वाल्व भी लगा होता है। डीकंप्रेशन वाल्व से क्या हेल्प मिलती है दोस्तों, हम डीकंप्रेशन वाल्व को दबाते हैं तो हम आराम से किक, जो आम भाषा में बोलते हैं वैसे इसको रिकॉयल बोलते हैं, हम रिकॉयल आराम से खींच सकते हैं, ठीक है, यानी कि रोक खींच सकते हैं इजिली, ठीक है। ये इसका मफलर हो गया, आम भाषा में साइलेंसर भी कहते हैं। यहां से जो हमारे एग्जॉस्ट की गैसेस हैं वो निकलती हैं, आउटलेट कहां से होती है, यहां से, ठीक है। और ये इसका बम्पर स्ट्राइक हो गया, बम्पर की काम क्या होता है कि इससे आगे जो लॉग है वो बॉडी में टच नहीं होगा, यहां पे आकर रुक जाएगा। यहां पे दोस्तों गाइड बार फिट होता है, अभी गाइड बार हम इस वीडियो में आपको फिट करना नहीं सिखा रहे क्योंकि एक अनबॉक्सिंग की वीडियो है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो हम आपको वो भी सिखा देंगे। यहां पे गाइड बार वगैरह फिट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मशीन का एक ओवरऑल लुक। हाँ, एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट भी मैं आपको बताया था, इसे कहते हैं दोस्तों चेन ब्रेक। कई लोग इसको जो अभी नॉलेज नहीं होती, बहुत ही एक मामूली सी बात है, जिसको नॉलेज नहीं होती वो उसको गियर कहते हैं कि ये फर्स्ट गियर है। तो ये गियर नहीं है दोस्तों, ये गाड़ी नहीं है, इसमें कोई गियर नहीं होता है, ये चेन की ब्रेक है, इसका आपका कोई भी काम नहीं है। हाँ, इसका काम आपको जैसे गाड़ी में एक एयर बैग होता है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म के लिए, जब कभी हादसा हो जाता है तो एयर बैग खुल जाता है, ऐसे ही ये भी एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। इसमें क्या है, जब भी आपको यूज करना है तो यूज तो आप हमेशा डिसएंगेज करके ही करेंगे, मतलब आप जब भी एक्सीलरेटर देंगे तो चेन की ब्रेक नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी हम एक्सीलरेटर देंगे तो चेन की ब्रेक ध्यान रखना है कि नहीं लगी हो, नहीं तो क्या होगा, आपने चेन की ब्रेक लगा रखी है, आप एक्सीलरेटर दे रहे हो, इसका मतलब कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो साथ में आपने ब्रेक भी दबा रखी है, तो वो चीज बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। इसको दबा के आपने कभी भी यूज नहीं करना, इसका काम बस इतना ही है कि आपने सुना होगा किक बैक होती है चेनसॉ के अंदर। किक बैक का मतलब होता है जैसे आप यूज कर रहे हो चेनसॉ और एकदम से टच हुई कहीं पे चेन और वो सीधा आपको यहां पे आई, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि आपका कटने का डर होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे आपका कटने का डर होता है, तो नेचुरली क्या होगा, आपका यहां पे टच होगा, आराम से चेन ब्रेक लग जाएगी। चेन ब्रेक लगने से क्या होगा, चेन रुक जाएगी, आप बच जाएंगे, मतलब काफी हद तक बच जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बताए थे टूटी ऑयल के बारे में, दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, ये इसकी ओनर्स मैनुअल हो गई, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं इसमें, इंग्लिश, एस्पेनॉल, काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। ये चेन हो गई, चेन दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, वो किसी भी बॉक्स के साथ कोई सी भी आ सकती है, लेकिन अगर आप हमसे लेंगे तो आपकी प्रेफरेंस हो सकती है। चेन दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो चेन होती है दोस्तों कटान की, आम भाषा में जो बोलते हैं, और एक बोलते हैं चिरान की। अगर हम अपनी कंपनी की भाषा में बोलें तो आरएससी और आरएमएक्स, आरएससी होती है कटान, आरएमएक्स होती है चिरान। वो क्या होती है, जब हम लॉगिंग करते हैं, ठीक है, जब हम मिलिंग करते हैं तो हम चिरान की चेन इस्तेमाल करते हैं, और जब हम खड़े पेड़ को काटते हैं उससे में हम क्रॉस कट चेन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आरएससी चेन का, कटान का चेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा है, जब आप हमसे लेंगे, चाहे आप हमारी वेबसाइट यानी कि machinify.in से लें, चाहे आप हमके कॉल के थ्रू लें, चाहे आप कैसे भी लें हमसे, तो बस आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको कौन सी चेन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है दोस्तों। ये हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ये टूल किट है, इस टूल किट में स्टिल देखिए बहुत ही तरीके से टूल्स को भी पैक करके देती है। इसमें हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अंदर 203 प्रकार के औजार आते हैं, ठीक है, टूल्स कहते हैं इसको। ये नंबर वन जो हुआ, दिस इज कॉल्ड स्क्रेंच, ये इस चेनसॉ का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। आपके पास और कुछ होना हो, लेकिन अगर आप कहीं जंगल के अंदर तक जा रहे हैं काम करने, तो आप कोशिश करिए, वैसे तो ये तीनों ही औजार रखिए, लेकिन कोशिश करिए कि ये तो जरूर रखिए, क्योंकि इसी से आपका जो है ये वाले जो नट है, ये वाले नट इससे खुलेंगे, ठीक है, टाइट भी इसी से होंगे, आप जो चेन को टाइट इसी के थ्रू करेंगे, जो इसमें पतला सा स्लॉटेड ये वाला होता है स्क्रू ड्राइवर होता है,
काफी मजबूत भी होता है दोस्तों ये आम स्क्रू ड्राइवर के मुकाबले। कभी आपको एयर फिल्टर खोल के साफ करना है तो आप इससे कर सकते हैं, तो ज्यादातर काम इससे आपके होते हैं। और थोड़ा सा हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, तो एक औजार होता है आपका एलन, इसको कहते हैं एक्चुअली एलन नहीं कहते हैं इसको, टेक्निकल में कहेंगे T27 टॉर्क्स, ठीक है, ये वो वाला औजार होता है। ज्यादातर स्टील में जो भी इसके नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं इसी से खुलते हैं, बोल्ट्स खुलते हैं सॉरी, ठीक है। ये इसका स्क्रू ड्राइवर होता है, किसी आम कस्टमर के लिए जिसको नॉलेज नहीं है उसका इससे कोई काम नहीं। मैं दोबारा बताऊंगा, इससे कभी भी कई लोग कहते हैं कि यार मेरी 300 चल नहीं रही, एक काम करते हैं कार्बोरेटर को छेड़ देते हैं। कार्बोरेटर को दोस्तों भूल के भी कभी ना छेड़े अगर आपको नॉलेज नहीं है, जो बहुत ट्रेंड मैकेनिक होता है कई साल से विद आरपीएम मीटर तभी इसको सेट करता है, इसलिए इसको तो आप भूल जाइए, छेड़िए ही मत, ठीक है। और एक चीज हम आपको और दिखा देते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज होती है दोस्तों गाइड बार, ये काफी चेंसो का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ये हुआ दोस्तों गाइड बार, इसके साथ प्रिफर्ड गाइड बार जो होता है दोस्तों 25 इंचेस का होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, गाइड बार दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये जिसमें आगे नोजल बनी होती है, इसमें लिखा होता है मेड इन जर्मनी, ये वाला गाइड बार दोस्तों मेड इन जर्मनी होता है। एक गाइड बार होता है ड्यूरोमैटिक गाइड बार, ड्यूरोमैटिक गाइड बार कैसा होता है जिसमें आगे नोजल नहीं होती, आम भाषा में जैसे हम नोजल कहते हैं इसको, नोजल नहीं होती उसमें, वो प्लेन होता है, ठीक है। दोनों का अपना अपना यूज है, वो जब हम डिटेल में जाते हैं तो वो भी हमें पता लग जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी, तो दोस्तों यहीं पे हम कोशिश करते हैं वीडियो को एंड करने की। तो आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम क्या चीज इसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं और क्या चीज की आप वीडियो आगे चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मशीन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम और डिटेल में इसके बारे में बताएं। अभी बहुत चीजें हैं दोस्तों, हम लोग सिर्फ इस मशीन को बेचने तक सीमित नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर जो हमसे ले वो हमसे पूरी नॉलेज के साथ ये मशीन को